सांगली महाराष्ट्र राज्य के दक्षिण दिशा में बसा जिला। यहाँ की हल्दी और हल्दी का बाजार पूरे भारत में मशहूर है। उच्च गन्ना उत्पादकता के कारण ये भारत के चीनी कटोरे के नाम से जाना जाता है। ये जिला अंगूर उत्पादन में भी अग्रसर है। अंगूर से किशमिश बनाने का उद्योग यहाँ बड़ी तादाद में किया जाता है। महाराष्ट्र के सबसे उपजाऊ और अत्यधिक विकसित जिलों में से एक है सांगली, जिसने अब तक के लोकप्रिय राजनेता तथा नौकरशाहों को प्रदान किया है। सांगली शहर एवं जिले के आर्थिक विकास में यातायात एवं संचार के साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ का कृषि, व्यापार व औद्योगिक विकास परिवहन के साधनों पर ही निर्भर करता है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकुशल नेतृत्व में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया। इसी नेटवर्किंग के अंतर्गत भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सांगली से सोलापुर के बीच बोरगांव से वाटम्बरे पैकेज 2 के अंतर्गत 224.00 किलोमीटर से 276.00 किलोमीटर तक की 52 किलोमीटर लंबी सड़क 4 लेन सहित पूर्ण हो चुकी है। इस परियोजना में मुख्य सड़क एवं सर्विस रोड का कॉन्क्रीटीकरण करना, 20 अंडरपास, 4 बड़े पुल एवं 5 छोटे पुल की निर्मिति आदि कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए। इस परियोजना से पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण तथा महाराष्ट्र के अन्य 11 जिलों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इसी के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों की महाराष्ट्र राज्य में आवाजाही में सुलभता आएगी। सोलापुर से सांगली, इन दो जिलों के बीच परिवहन शीघ्र होगा। आज श्री नितिन गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा 2076.63 करोड़ रुपए लागत मूल्य की इस परियोजना का राष्ट्र के प्रति समर्पण होने जा रहा है। इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा परिचालित 44.78 किलोमीटर लंबी तथा 257.38 करोड़ रुपए लागत मूल्य की और एक परियोजना का भी आज लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 965G पर सांगोला सोनंद जत में 185.34 किलोमीटर से 230.12 किलोमीटर तक की सड़क का पुनर्वसन तथा उन्नतीकरण का कार्य शामिल है। इस परियोजना में सड़क का कॉन्क्रीटीकरण, 2 बड़े पुलों का निर्माण जो अंतिम चरण पर है एवं 1 छोटे पुल की निर्मिति आदि कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए। इस कार्य से पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा तथा अन्य 2 जिलों की कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय द्वारा परिचालित इन परियोजनाओं से लोगों को ट्रैफिक जाम की तकलीफ से छुटकारा मिलेगा। सुरक्षित एवं शीघ्र सफर से कीमती समय और ईंधन की बचत होगी। क्षेत्र के पर्यटन व्यवसाय को प्रोत्साहित करने में इन परियोजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा। युवाओं, किसानों, उद्यमियों एवं जन सामान्यों को विकास के नए आयाम प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को अपने माल की ढुलाई में आसानी होगी तथा शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं जैसे दूध, मछली, सब्जी, फल इत्यादि का परिवहन अधिक सुविधाजनक होगा। ये सारी परियोजनाएं कारोबारियों, विद्यार्थियों के लिए विशेष लाभप्रद होगी और उनके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेंगी। इस क्षेत्र को देश के मुख्य प्रवाह में लाने में सक्षम ये परियोजनाएं सांगली और सोलापुर जिले के लोगों के जीवन में खुशहाली प्रदान कर देश को अधिक विकसित करने में मददगार साबित होंगी।